नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने एम्पियर प्राइमस की फुल रेंज टेस्ट का एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया उस पर, आप लोगों ने देखा, कमेंट्स भी किए, आपके जो कुछ इश्यूज थे आपने पूछे भी। तो आज मैं उसी कमेंट्स और उस टेस्ट राइड के दौरान मेरे को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुझे क्या क्या कंडीशन फेस करनी पड़ी है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, सब कुछ चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आपको किस चीज़ मतलब किस चीज़ में बेनिफिट है और किस चीज़ में आपको ज़्यादा नुकसान है, तो वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी थी तो मैंने आप लोगों को इतना लंबा वीडियो तो दिखाया नहीं था, मैंने शॉर्ट में आपको सिर्फ ओनली रेंज टेस्ट करके आप लोगों को दिखाया था। तो मैं वीडियो में दिखाता रहूँगा आप लोगों से, मैं हमारी सिचुएशन कैसी थी, गाड़ी की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, हमने धक्का मार के गाड़ी को आगे चलाया था, तीन चार ढाबे वालों से भी ट्राई किया बैटरी को चार्ज करने के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि फिर हमारी टेस्ट राइड चार्ज नहीं हो पाई। तो जो हमारा जो प्राइमस था वो बीच रास्ते में बंद हो गया और बैटरी पूरी ज़ीरो हो चुकी थी। हमें आइडिया नहीं था कि हमें इतनी जल्दी बैटरी डाउन हो जाएगी और हम काफ़ी आगे तक चले गए थे जबकि हमें बहुत पहले से ही यू टर्न ले लेना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाड़ी की बैटरी लो हो गई, गाड़ी बंद हो गई और हमें गाड़ी को धक्का मार के हमने 1.5 किलोमीटर तक उसको खींचा और फिर दो तीन ढाबे वालों से हमने बात की लेकिन उन्होंने हमारी प्राइमस को चार्ज नहीं होने दिया, बोला लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से चलता है। तो फिर हमने भी ज़्यादा कुछ फोर्स किया नहीं उन लोगों को, फिर हमने 500 मीटर और गाड़ी को आगे खींचा प्राइमस को, काफ़ी भारी गाड़ी है, हालत ख़राब हो गई थी। फिर एक किसी घर में जाके हमने बात की, बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था लास्ट में, अच्छे लोग हैं, हमारी लोगों ने हमारी हेल्प की है बैटरी को चार्ज करने में, तो उससे हम हमारे शोरूम पे पहुँचे थे, तो नहीं तो हम फंस जाते क्योंकि हम हमारे शोरूम से 15 किलोमीटर दूर थे, तो काफ़ी अच्छा था। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बहुत फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं छोटे मोटे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो हमारी प्ले हो गई है और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस टाइम में मैंने अपनी प्राइमस को चार्ज लगाए हुए करीब 2 घंटे हो गए थे, बैटरी 50% थी और मैंने सुबह आके 10 बजे करीब इसको चार्ज लगा दिया था और मैं निकला था शोरूम से 12:30-1 बजे के करीब निकला था, तब तक हमारी बैटरी 98% हो चुकी थी। दोस्तों, 100% चार्ज नहीं थी, 98% तक ही चार्ज थी। अगर 100% अगर चार्ज होती तो जो कंपनी जो क्लेम करती है, जो इसकी रेंज क्लेम करती है 76 किलोमीटर पावर मोड में, तो इसकी रेंज 76 निकल भी सकती थी अगर ये 100% चार्ज होती और अगर मैं सिंगल पर्सन होता अपनी प्राइमस पे, लेकिन हमने जो टेस्ट किया था वो डबल लोड में टेस्ट किया था और 98% ही चार्ज थी। तो इससे क्या है कि जो हमारी रेंज निकल के आई थी पावर मोड में 70 किलोमीटर निकल के आई थी, 70 किलोमीटर। प्राइमस में एयर प्रेशर चेक करवाया क्योंकि एयर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए, अगर गाड़ी के टायरों में हवा कम रहेगी तो जो रेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल पाएगी। तो अब हम निकल गए यहाँ से और सबसे पहले हमने जो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर जो एरिया है, जो किलोमीटर है, वो हमने सिटी में चलाया था क्योंकि हमको सिटी मालवीय नगर से जयपुर से बाहर निकलने में करीबन 15 से 20 किलोमीटर लग गए थे क्योंकि तब तक सिटी ट्रैफिक और काफ़ी मतलब गाड़ियाँ काफ़ी थी, तो हमने गाड़ी को कुछ ज़्यादा तेज स्पीड से तो चलाने का मौका नहीं मिल पाया। तो जैसे ही हमने टॉप रोड को टच किया तो वहाँ से हमने फुल टॉप स्पीड पे इसको चलाया था, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि हमने गाड़ी को 84, 85, 86, 87 किलोमीटर तक हमने गाड़ी को चलाया हुआ है और सिंगल लोड में तो 88 की टॉप स्पीड तक जाती है ये सिंगल लोड में। बाकी दोस्तों, चलाने में तो मुझे मज़ा तो बहुत आया, मुझे मैं जो 1% भी फील नहीं हुआ कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ, बाकी मुझे पूरे रास्ते यही लगता रहा कि हाँ पिकअप अच्छा है, गाड़ी में मतलब स्पीड है, मुझे पूरे रास्ते यही फील होता रहा कि हाँ मैं कोई मतलब पेट्रोल वाला जो स्कूटर होता है एक्टिवा वगैरह मैं वही चला रहा हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ। दोस्तों, हम निकल चुके हैं और दोस्तों यहाँ हम टॉन्क रोड पे आ गए थे और यहाँ हमने
हमारी प्राइमर को फुल टॉप स्पीड जितनी भी थी इसकी, उस फुल टॉप स्पीड में इसको चला के देखा है और बहुत मज़ा आया इसको चलाने में। तो दोस्तों हमें करीब करीब गाड़ी चलाते हुए 30 से 35 किलोमीटर हो चुके थे और हमें यहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दी। मैंने 40-42 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लिया और रिटर्न में मैं 22-25 किलोमीटर रिटर्न आ सका। उसके बाद में गाड़ी की बैटरी ज़ीरो हो गई अचानक ही और हमारी गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद में जो हालत ख़राब हुई थी वो आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर रखने वालों के साथ साथ क्या क्या हो सकता है। बाकी तो वो कुछ अच्छे लोग मिल गए जिनके घर जाके हमने हमारे प्राइमस को चार्ज किया और कब बहुत ही अच्छे लोग थे, पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाई और हमने उनकी हेल्प भी करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग माने नहीं और हम निकल गए वहाँ से फिर अपने शोरूम की ओर। तो दोस्तों यही सब कुछ था इस वीडियो में। बाकी मेरा जो ओपिनियन है कि अगर आप प्राइमस परचेस करते हैं और प्राइमस के कोई सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करते हैं तो आप उसको लॉन्ग रूट पे जितना हो सके अवॉइड करिए। ये सिर्फ सिटी के लिए और सिटी के हिसाब से ही आपको सूटेबल है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा दूर अगर ले जाओगे तो आपको कोई फैसिलिटी या कोई हेल्प वगैरह इस पर नहीं मिल सकती है, कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा आपको, इसके कोई मैकेनिक नहीं मिलेंगे आपको। आप सिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं, सिटी के लिए तो ये बेस्ट है। अगर लॉन्ग रूट के लिए आप जाते हो, अगर आप अपने गांव जाते हो 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर, तो आप अपना जो पेट्रोल वाला व्हीकल है वो ले जाइए, वो सूटेबल रहेगा आपके लिए, वो बेस्ट रहेगा। और आप उसको कितना भी चलाइए, पेट्रोल डलाइए और चलाइए, कितना भी चलाइए, वो रुकने वाला नहीं है, वो थकने वाला नहीं है। बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो सिटी के हिसाब से बेस्ट है। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आपकी बैटरी अगर रास्ते में हो जाएगी तो मेरी जैसी हालत होने वाली है आप लोगों की, आपको धक्का भी मारना पड़ सकता है, चार घरों में जाके रिक्वेस्ट भी करनी पड़ सकती है कि साहब हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें चार्ज करना है, बैटरी ख़त्म हो गई है, ऐसे रिक्वेस्ट भी करनी पड़ सकती है आपको। घर हाईवे पे घर आपको मिलेंगे नहीं, ढाबे वाले आपको चार्ज गाड़ी को चार्ज करने देंगे नहीं, तो इतनी जल्दी कोई हेल्प करेगा नहीं आप लोगों की। तो सिटी के लिए तो बेस्ट है, लॉन्ग रूट के लिए तो मैं भी आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को इतना दूर ले जाएं, क्योंकि आपकी कोई हेल्प करने वाला वहाँ है नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, पिछली वीडियो को तो आपने लाइक किया नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते नहीं हो आप, वीडियो देख लेते हो। आने वाला टाइम जो रहेगा वो ईवी का ही रहने वाला है और फ्यूचर में जो, तो दोस्तों अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा मैं नर्वस रहता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कोई प्रोग्रेस कोई ग्रोथ तो दिख नहीं रही है चैनल पे, मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा फिर काम करने में। तो दोस्तों अगर आप लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, अगर आपको कुछ इश्यू है, आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आप परचेज करने की सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो, तो कुछ पूछा करो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो बताऊँगा उसके बारे में, उसके ऊपर हो सका तो वीडियो भी बना दूँगा, आप लोग पूछा करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पिछली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, उसमें मैंने प्राइमस की फुल रेंज टेस्ट का वीडियो बनाया है, सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लेना।